press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में रामगढ़ अलवर की कांग्रेस की प्रत्याशी साफिया खान के वीडियो वायरल होने पर रामगढ़ रिटर्निंग अधिकारी पंकज शर्मा ने वीडियो को लोक शांति भंग करने व निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा मानते हुए सिविल न्यायाधीश का खाम इस्तगासा दायर किया है। इस्तगासे में बताया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी साफिया जुबेर ने 25 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैमला खुर्द गांव में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहा, इस बार हाई से हाई पोलिंग होनी चाहिए, यह मेरी इज्जत का सवाल है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, साम दाम दंड भेद सब आजमाना, चाहे किसी का सिर भी फोड़ना पड़े तो पीछे मत हटना, बस सारे हथकंडे अपना लेना, लेकिन चुनाव जीतना है, यह गांठ बांध लेना। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था साफिया खान ने। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना, अपनी पोलिंग हाई से हाई होनी चाहिए, मेरी इज्जत का, सबकी इज्जत का, आपकी इज्जत का सवाल है इस बात में। अब तो मैडम हाई से हाई होगी, चिंता मत करो, इनकी अल्लाह अब तो हाई से हाई हो, दाम दंड भेद चाहे किसी की डेट फोड़नी पड़ जाए, चाहे कुछ करना पड़ जाए, बस सारे हथकंडे अपना लेना, लेकिन चुनाव जीतना है, यहाँ से इंशाल्लाह जीत के ही जाए, यहाँ से भी और बाकी जगह जहाँ से भी कहीं अपने नहीं आएंगे इलाकों से अपने को बहुत बढ़त देनी है ताकि हम उसको बराबर कर सकें। तो कोई कमी और समय से पहले चुनाव मत जीत जाना। चुनाव 7 तारीख की शाम को 7 बजे हमें पता लगेगा, तब तक कोई चुनाव बहुत कड़ा मुकाबला है, कैंडिडेट आपके इलाके का है, उसका 100 तरीके का दबाव रहेगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि सरकार में हिस्सा अगर गोविंदगढ़ को रखना है तो कांग्रेस को। रिटर्निंग अधिकारी इसमें मतदाताओं को लोक शांति भंग करने व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की प्रवृत्ति मानते हुए आईपीसी धारा 171 CEF का उल्लंघन में मामला दर्ज कराया है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।